आज हम पढ़ने जा रहे हैं 13 फरवरी 2021 का करेंट अफेयर्स। ये डेट है 13 फरवरी 2021 का करेंट अफेयर्स है। तो आइए देखते हैं 13 फरवरी 2021 का करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने दोबारा से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हुआ? इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका देश ने दोबारा से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हुआ। इंग्लिश वर्जन भी है इसका, विच कंट्री अगेन ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल? इसका आंसर अमेरिका। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज ने दिव्य दृष्टि 2021 वेबिनार का आयोजन कब किया? इसका आंसर 11 फरवरी को। सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज ने दिव्य दृष्टि 2021 वेबिनार का आयोजन 11 फरवरी को किया। व्हेन डिड द सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज ऑर्गेनाइज दिव्य दृष्टि 2021 2021 वेबिनार? 11 फरवरी। किसने इजराइल की प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार को जीता? इसका आंसर है स्टीवन स्पीलबर्ग ने। स्टीवन स्पीलबर्ग ने इजराइल की प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार को जीता। हु वॉन इजराइल्स प्रेस्टिजियस जीनियस अवार्ड? स्टीवन स्पीलबर्ग। किस देश ने म्यांमार के साथ कूटनीतिक एवं सैन्य संबंध खत्म किए? इसका आंसर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश ने म्यांमार के साथ कूटनीतिक एवं सैन्य संबंध खत्म किए। विच कंट्री एंडेड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री रिलेशंस विथ म्यांमार? न्यूजीलैंड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? इसका आंसर है 50.66 करोड़ रुपए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज पर 50.66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ हाउ मेनी करोड़ ऑन हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज? रेट 50.66 करोड़। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिस्लरी पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? इसका 10.75 करोड़ रुपए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिस्लरी पर 10.75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाइंड बिस्लरी हाउ मेनी करोड़? 10.75 करोड़। अमेरिका ने किस देश के $1 बिलियन के फंड को जब्त किया? इसका आंसर म्यांमार। अमेरिका ने म्यांमार देश के $1 बिलियन के फंड को जब्त किया है। अमेरिका हैज रेज्ड अ $1 बिलियन फंड फ्रॉम विच कंट्री? म्यांमार। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ किस बैंक ने समझौता किया? इसका आंसर पंजाब नेशनल बैंक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ पंजाब नेशनल बैंक ने समझौता किया। विच बैंक टाइड अप विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड? पंजाब नेशनल बैंक। किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन की शुरुआत की? इसका आंसर केरल। केरल राज्य की सरकार ने ज्ञान मिशन की शुरुआत की। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द नॉलेज मिशन? केरला। किस देश ने अपना अंतरिक्ष यान तियात्वेन फर्स्ट मंगल ग्रह की कक्षा प्रवेश किया? इसका आंसर है चीन। चीन ने अपना अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कराया। विच कंट्री एंटर्ड इट्स स्पेस क्राफ्ट ताइवान फर्स्ट मार्स ऑर्बिट? चाइना। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड ऑफ फंड्स में कितने मिलियन निवेश करने की घोषणा की? $100 मिलियन। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड ऑफ फंड्स में $100 मिलियन निवेश करने की घोषणा की। न्यू डेवलपमेंट बैंक अनाउंस्ड हाउ मेनी मिलियन टू इन्वेस्ट इन द NIIF फंड ऑफ फंड्स? $100 मिलियन। एगॉन लाइफ के MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सतीश्वर बालकृष्ण। एगॉन लाइफ के MD और CEO पद पर सतीश्वर बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है। हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ एगॉन लाइफ? सतीश्वर बालकृष्ण। RBI ने वित्तीय शिक्षा के प्रसार पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया? 8 से 12 फरवरी को। RBI ने वित्तीय शिक्षा के प्रसार पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह 8 से 12 फरवरी को मनाया। When did RBI celebrate Financial Literacy Week on the spread of educational education
8 to 12 February। अगला क्वेश्चन हमारे पास, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पेप्सी पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? 8.7 करोड़ रुपए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पेप्सी पर 8.7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाइंड पेप्सी हाउ मेनी करोड़? 8.7 करोड़। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पतंजलि पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? 1 करोड़ रुपए का। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पतंजलि पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाइंड पतंजलि हाउ मेनी करोड़? 1 करोड़। किस राज्य के वन विभाग में मोनाल पक्षी की कलगी टोपी पर लगाकर पहनने का पर रोक लगाई गई? इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। किस हिमाचल राज्य के हिमाचल प्रदेश के वन विभाग में मोनाल पक्षी की कलगी टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगाई गई? भारतीय कुश्ती महासंघ ने किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर किया? सुनील कुमार और साक्षी मलिक को। भारतीय कुश्ती महासंघ ने सुनील कुमार और साक्षी मलिक दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर किया। इंडियन रेस्टिंग फेडरेशन एक्सक्लूडेड टू रेस्टलर्स फ्रॉम द एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, सुनील कुमार एंड साक्षी मलिक। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह किस नेता को पार्टी का नेता बनाने के लिए आवेदन किया? मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता की पार्टी का नेता बनाने का लिए आवेदन किया। विच पार्टी अप्लाइड टू द कांग्रेस पार्टी टू रिप्लेस गुलाम नबी आजाद इन राज्यसभा एज लीडर ऑफ द पार्टी? मल्लिकार्जुन खड़गे। किस जिले के आयुर्वेदिक कॉलेज में फार्माको विजिलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा? जोधपुर। जोधपुर जिले के आयुर्वेदिक कॉलेज में फार्माको विजिलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। फार्माकोविजिलेंस सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? जोधपुर। किस खेल से संबंधित कैप्टन हरिसिंह थापा का निधन हुआ? मुक्केबाजी। मुक्केबाजी से संबंध कैप्टन हरिसिंह थापा का निधन हुआ। कैप्टन हरिसिंह थापा डाइड रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बॉक्सिंग। ये क्वेश्चन है, ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने किस बैंक के साथ समझौता किया? इसका आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। मेघालय पुलिस हैज टाइड अप विच बैंक ऑफ ई चालान? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन किसे पहनाया गया? इसका आंसर है मानसा वाराणसी। आपको मालूम है VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन मानसा वाराणसी को पहनाया गया। वो वाज ड्रेस्ड एज VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 मानसा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के परिवहन विभाग ने विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया? इसका आंसर उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के परिवहन विभाग ने विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया। विच स्टेट्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लॉन्च्ड वेरियस सिटीजन सेंट्रिक ऑनलाइन सर्विसेज? उड़ीसा। किस राज्य में विश्व का सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज की गई? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज की गई। इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल वाज डिस्कवर्ड? मध्य प्रदेश। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला CEO कौन बनी? सुजेन क्लार्क। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला CEO सुजेन क्लार्क बनी। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ द US चैम्बर ऑफ कॉमर्स? सुजेन क्लार्क। चीन नेशनल आर्मी ने किस भारतीय राज्य से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शरण मांगी? मिजोरम। चीन नेशनल आर्मी ने किस भारतीय राज्य से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शरण मांगी? मिजोरम। चीन नेशनल आर्मी शॉर्ट रिफ्यूज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फैमिली? मिजोरम। इस तरीके से हमारे पास 13 फरवरी 2021 का डेली का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। और आगे अपडेट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।